सो गाइस, वर्कआउट करके आने के बाद मैं सो गया था। तुम जो वीडियोस बनाते हो मुझे वो बहुत अच्छा और फनी लगता है, और तुम्हारा बातें भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। उस टाइम पे मैं मेरा मोबाइल चेक कर रहा था, और उस टाइम पे मुझे मिला मेरा पुराने फोटो। देखिए स्क्रीन पे, अबे मैं नहीं खेल रहा हूँ। स्पेशल पर्सन से मीट करने जाने वाला था। हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से आप लोगों का एक नए वीडियो में। तो आज का वीडियो होने वाला है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बिकॉज आज मैं देने वाला हूँ रिएक्शन मेरे कुछ पुराने फोटोज़ में। तो सुबह सुबह नींद से उठ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है मेरे लिए, पर बेड से एक बार उठ गया तो सब कुछ पूरा सेट है मेरे लिए। आप लोग जितने भी सक्सेसफुल लोग देखेंगे वो लोग सुबह जल्दी उठ जाता है, कोई 4 बजे, कोई 5 बजे, या फिर कोई 7-8 बजे तक उठ जाता है। पर अगर आप लोग सुबह उठने के बाद भी टाइम को ठीक से यूटिलाइज़ नहीं कर रहे तो कुछ फ़ायदा नहीं है। सुबह कोई अगर 8-9 बजे तक भी उठ जाता है तो भी कोई बात नहीं, पर मैटर ये करता है आप सुबह उठने के बाद टाइम को कैसे यूटिलाइज़ करते हैं। और अभी का जो वेदर है बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ा थोड़ा बारिश भी आ रहा है, और उसके लिए इतना गर्मी भी नहीं है। आज वर्कआउट करके बहुत मज़ा आएगा। तो अभी मैं घर में जाके लेता हूँ मेरा प्री वर्कआउट मील, और उसके बाद मैं मिलता हूँ आप लोगों को जिम पहुँच के। ओके, सो आई हैव रीच्ड जिम, और आज मेरा ऑफ डे है। ऑफ डे मतलब मेरा जो वर्कआउट प्लान होता है वो 5 डेज का होता है, और एक दिन का जो गैप होता है उसमें ट्रेन करता हूँ मेरा वीक बॉडी पार्ट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। From changing over in the moonlight, I can't kill this feeling sober, so it starts to come alive. I don't know what starts to control. यहाँ पे होता है मेरा वर्कआउट कंप्लीट, गॉट अ डिसेंट पंप, मजा आ गया। और अभी थोड़ा सा बारिश भी शुरू हो गया है, तो अभी जल्दी मुझे घर पे जाके लेना है मेरा पोस्ट वर्कआउट मील। नाइस। सो गाइस, वर्कआउट करके आने के बाद मैं सो गया था, और उठने के बाद मेरा जितना भी काम था मैंने वो कंप्लीट कर लिया, और मैं अभी आया हूँ थोड़ा देर बाहर, और देखिए मेरे साथ कौन है। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज सुहानी। तो ये है मेरे नीस, और ये मेरे कुछ लास्ट ब्लॉग देखने के बाद मुझे बोल रहा था कि मुझे भी तुम्हारे ब्लॉग्स में आना है। तो मेरा जो वीडियोस है वो तुम्हें कैसा लगता है? तुम जो वीडियोस बनाते हो मुझे वो बहुत अच्छा और फनी लगता है, और तुम्हारा बातें भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसे कि हमेशा वीडियोस बनाते रहना। तारीफ ही मिल रही हो, देख रहे हो आप लोग, समझ रहे हो। तो तुम जो मेरे व्यूअर्स है उन लोगों के लिए क्या बोलना चाहोगे? आप लोग जो भी ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। तो जैसे कि आज सुबह मैंने आप लोगों को बताया था कि आज मैं मेरा पुराने फोटोज में रिएक्शन दूंगा, बिकॉज अभी लॉकडाउन चल रहा है तो 2 बजे के बाद उतना करने को नहीं होता है। तो उस टाइम पे मैं मेरा मोबाइल चेक कर रहा था, और उस टाइम पे मुझे मिला मेरा पुराने फोटोज। तो उस टाइम पे मुझे लगा तो क्यों ना वो जो फोटोज है वो आप लोगों से शेयर किया जाए, और उस फोटो के पीछे का जो स्टोरी है वो भी आप लोगों से आज मैं शेयर करने वाला हूँ। तो दिल धाम के बैठिए, बहुत मजा आने वाला है। तो आप लोगों के स्क्रीन पे जो फोटो दिख रहा है वो मैं हूँ, आई थिंक वो 2014 या फिर 15 होगा। आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, लोग उस टाइम पे मुझे चिढ़ाते थे क्योंकि मैं इतना ज्यादा पतला था। तो मुझे जितना याद है उस टाइम पे मैं कैरम खेल रहा था मेरे कजिन्स के साथ। उस टाइम का जो मैं था ना किसी से बातें करता था, ना कि बहुत ही ज़्यादा सोशल था। अभी आप लोगों को जो स्क्रीन पे दिख रहा है मैं उस टाइम से अभी पूरा अपोजिट हूँ। उस टाइम पे कोई ये सोच ही नहीं सकता था कि मैं अभी जैसे बातें कर रहा हूँ कैमरा पे वो पॉसिबल होगा कभी। तो आप लोगों को स्क्रीन पे ये सेकंड फोटो दिख रहा है, उस टाइम पे मुझे वर्कआउट करते हुए ऑलमोस्ट 1 साल हो गया था। ना उस टाइम पे मैं डाइट करता था ना कुछ, और उस टाइम पे मुझे लगता था आई थिंक बॉडी बन गया है, और अभी मुझे लगता है अरे नूब था नूब। तो आप लोग थर्ड फोटो देखिए स्क्रीन पे, शिट यार
मैं ऐसा फोटो कैसे खींच सकता हूँ। अब छपरी लग रहा था पूरा, पर आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, उस टाइम पे मैंने ये फोटो खींचा और थोड़ा सा एडिट करने के बाद इंस्टाग्राम पर भी अपलोड कर दिया। बट आई कैन टेल यू नाउ, उस टाइम पे मैं बहुत ज्यादा इनसिक्योर था। तो आप लोग ये फोटो देखिए स्क्रीन पे, अबे मैं नहीं खेल रहा हूँ। जोक्स अपार्ट, उस टाइम पे मैंने सुना था हॉलोवीन के बारे में, तो मुझे लगा था क्यों ना हम भी ट्राई करें, और देखिए रिजल्ट क्या निकला। अभी मुझे लगता है उस टाइम पे मैं ये जो किया बहुत ही ज्यादा बकवास था। अबे मैं उस टाइम पे क्या क्या करता था, अभी ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता यार। क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह हो कसम से। तो आप लोग ये फोटो देखिए स्क्रीन पे, उस टाइम पे मैंने मेरा जो बियर्ड था वो थोड़ा सा बढ़ा लिया था, और उस टाइम पे लगता था कि कूल दिखेगा। इस कूल के चक्कर में पता नहीं हम लोग क्या कुछ नहीं कर जाते हैं। और उसके बाद दोस्तों के साथ DSLR लेके हम लोग फोटो शूट करवाने जाते थे, और वही फोटो को एडिट करके, एडिट का उस टाइम पे ई भी नहीं आता था, और उसमें जो भी निकलता था वो हम डालते थे इंस्टाग्राम पे। जो सब पार्ट आप लोग देखिए उस टाइम का जो मेरा बियर्ड था वो कैसा लगता था, और आप लोग नेक्स्ट फोटो देखिए, वाह बेटे स्पेक्स पहन के। आप लोग बताइए कि मेरा अभी का जो लुक है वो अच्छा लगता है, कि उस टाइम पे मेरा जो बियर्ड वाला लुक है वो अच्छा लगता था। तो आप लोग देखिए नेक्स्ट फोटो, पोज देख रहे हैं लौंडे की घर पे। उस टाइम पे बियर्ड का जो गाली खाने के बाद मैंने बियर्ड करवा दिया था, और उसके बाद, और मैं आप लोगों को बता दूं ब्लैक जो है वो मेरा फेवरेट कलर है। और उसके बाद हम लोग बीच बीच में फोटोशूट करवाने जाते ही थे, पर मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा खुश था, और अभी फोटोशूट करवाने के लिए टाइम ही नहीं मिलता। नेक्स्ट पोज देखिए, देख रहे हो बॉय। अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे मेरा अकाउंट चेक करते हैं तो वहाँ आप लोगों को दिखेगा मेरा बहुत सारा ऐसा फोटोज है जिसमें मैं पूरा ब्लैक पहना हूँ, बिकॉज ब्लैक मेरा फेवरेट कलर है। और आप लोग नेक्स्ट फोटो देखिए स्क्रीन पे, मैं इसमें एक डिजाइनर के लिए वर्क कर रहा था, और हाँ मैंने मॉडलिंग भी किया था बीच में। अगर मुझे कोई भी चीज़ चाहिए था तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता था, और उसके बाद मुझे वो मिल भी जाता था। आप लोग एक बार सोचिए, मैंने आप लोगों को जो फर्स्ट फोटो दिखाया उसमें मैं कितना ज़्यादा शाय था, और वो लड़का अगर मॉडलिंग कर सकता है ना, तो आप लोग अपने लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं, नथिंग इज इम्पॉसिबल। आप लोग जो फोटो अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, वहाँ मैं किसी स्पेशल पर्सन से मीट करने जाने वाला था। चमक देख रहे हो लौंडे की, पर वो जो स्टोरी है मैं आप लोगों को अभी नहीं बता सकता, बिकॉज उस टाइम पे कुछ हो गया था, आप लोग समझ सकते हैं। और आप लोग जो फोटो अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं वो है मेरा फर्स्ट बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन का फोटो, बिकॉज उस टाइम पे मेरा जो गुरुजी था वो मुझे बोला कि तुम्हें कॉम्पिटिशन में पार्ट लेना चाहिए। ना मैं उस टाइम पे डाइट किया था ना कुछ, सिर्फ 10 दिन के प्रिपरेशन के बाद मैंने वो कॉम्पिटिशन खेला, और उसमें मुझे top 10 पे भी नहीं मिला था। उसके बाद में मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया, और उसी कॉम्पिटिशन को मैंने जब दोबारा खेला उसमें मुझे मिला ओवरऑल का टाइटल। आप लोगों को अभी स्क्रीन पे जो फोटो दिख रहा है वो है मेरा सेकंड कॉम्पिटिशन का फोटो, जिसमें मैंने जीता था ओवरऑल का टाइटल। आप लोग इस फोटो का कंडीशन देखिए, आप लोग इसका पहले का जो फोटो देखा उसका कंडीशन और इसका कंडीशन, दिन रात का फर्क है इसमें। अगर आप लोग किसी भी चीज़ को मेहनत और शिद्दत से पाने के लिए कोशिश करते हैं ना, तो वो चीज़ आप लोगों को मिल ही जाता है। और मैं आप लोगों को अभी बता नहीं सकता मैं उस टाइम पे कितना ज़्यादा खुश था। उस कंपटीशन के बाद हमने बहुत सारा फ़ोटो खिंचवाया, और उसके बाद हमने बहुत सारा पार्टी किया मेरे फ्रेंड्स के साथ, कजन्स के साथ। और मैं आप लोगों को बता सकता हूँ वो जो मोमेंट था, दैट वॉज वन ऑफ द फेवरेट मोमेंट ऑफ माई लाइफ। और ये जो जर्नी आप लोगों ने पहले से अभी तक का देखा, उसमें एक चीज़ कॉन्स्टेंट था, वो है हार्डवर्क। हार्डवर्क से कुछ भी अचीव किया जा सकता है। देखिए मुझे इतना ज़्यादा पसीना आ गया शूट करते हुए, मैं फैन नहीं दे सकता बिकॉज फैन का जो साउंड है वो माइक पे आता है, और वो डिस्टर्बिंग लगता है, और ये करना ही पड़ता है एज ए कंटेंट क्रिएटर। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।